सो हेलो गाइस, कैसे आप सब? मैं आपका निकू और आप देख रहे हैं निकू व्लॉग्स। तो गाइस, आज फाइनली लाइफ में पहली बार इग्लू बना रहे हैं। इग्लू बनाना आसान चीज नहीं है, बहुत मेहनत लगती है इग्लू बनाने में। पहले ईंटे बनते हैं। तो ये देखो गाइस, हमारी पूरी टीम मिलकर इग्लू बना रही है। कितने सारे हमारे भाई आ रखे कश्मीरी, सब मिलके इग्लू बनाएंगे। इतना बड़ा इग्लू बनाएंगे, पहले बर्फ पिचका रहे सब पैर रख के। इग्लू की एक्साइटमेंट हो रही है बहुत ज्यादा। पहले ईंटे बनाएंगे फिर इग्लू बनाएंगे। ओ ओ ओ भाई साहब, बर्फ में कूद गया, ठंड लग जाएगी। गाइस चिरू तितली बना रहे भाई बर्फ में, पूरा सब प्लेन हो गया है। इसमें भर भर कर ईंट बन रही है पहले, और यहाँ पे सारी ईंट लगाएंगे। गाइस हमारे साथ भाई हमारे कश्मीरी भाई हेल्प कर रहे हैं हमारी, मस्त मजा आएगा। और गाइस अभी भाई साथ साथ खाना भी बनाएंगे, भूख लग रही है बहुत ज्यादा। अब सारा सामान काम आएगा, सिलेंडर गैस वगैरह। चीनू कहाँ पे बैठा है? अंदर कट जाएगा। चीनू मत बैठ, इसके ऊपर खड़ा हो जा। ये देखो भाई सारा सामान लेके आए हैं बनाने का। सब सोचते छोटी गैस है, छोटी गैस है। जितनी घर वाली गैस होती है ना, उससे भी तेज आग है इसकी। ओ भाई वाह, पूरी मेहनत चल रही है भाई साहब, बहुत बड़ी बड़ी ईंटें हैं। मेरा प्लान था भाई इग्लू बनाने का। कोई भी चीज ना मेरे को छोटी बनानी पसंद नहीं है, बढ़िया बननी चाहिए, मस्त बननी चाहिए। हाय गाइस, हम यहाँ पे इग्लू बना रहे हैं। गाइस जिसको भी इग्लू बना रहे हैं ना, ऐसे बना सकते हो। ये पेटी ली, बर्फ डाली, ईंट बनाई और ऐसे लगा दो चारों तरफ से। गाइस भाई इग्लू बनाते बनाते थक गए हैं, तो अभी चाचा खाना बना रहे हैं, खाना खाएंगे। पहले मैगी बना रहा हूँ, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया है। हाँ सुबह से कुछ खाया भी नहीं, तो मैगी खाते हैं। ये सही है गाइस, हमारा इग्लू यहाँ पे और सामने मंदिर और इसके अंदर सोफा। ये देखो भाई दीवार तो बन गई है यहाँ की, ये दरवाजा हो गया हमारा। बहुत मेहनत लग रही है और अभी 3 बज गया है, आधा इग्लू बन चुका है हमारा। फाइनली इतना तो बना कि दीवारें खड़ी होगी, अभी और बनाने लग रहे हैं। फिलहाल मैगी तो बन गई है और अभी मैगी खाते हैं, देखते हैं भाई कितनी टेस्टी बनाई है। ओ ओ पूरा बनने वाला है, मजा आएगा। इससे पहले इग्लू में गया कभी? ना हमने देखा ना कहीं गए, हमने सीधा बना ही दिया। अगर हम खुद बनाते 3-4 जने मिलके, तो हमसे 3-4 दिन में जाके बनता। 8 दिन लग जाते आपको। जब मैंने इग्लू बनाने की प्लानिंग करी थी ना, तो मैं ये सोच रहा था भाई कैसे बनेगा कैसे बनेगा। फिर मैंने बहुत जगह रिसर्च करी कि कैसे बनता है, फाइनली पता चला कि भाई मतलब ऐसे ईंटें बनती है। टीम इकट्ठी करी मैंने, अपने प्लान से सारा इग्लू बना रहे हैं। अभी भाई ब्रेक चल रहा है सबका, मार्केट घूम के आ रहे हैं, वापस आने के बाद इग्लू कंप्लीट करेंगे। 4:30 बज गए हैं, कोल्ड कॉफी पी रहे हैं। ओ भाई साहब आता ही बनाया, अभी वो तो कह रहे पूरा बना दिया। क्या हो गया क्या हो गया यार? पुलिस वाले आ गए थे इसको तोड़ने के लिए। पुलिस वाले तोड़ने के लिए आ गए थे इसको? बोले अभी तोड़ो इसको, रिक्वेस्ट करी मैं, कसर ऐसा हूं। सीन हो गया, चाचा बता रहे जब हम मार्केट में गए हुए थे ना, तो हमें बहुत सारे पुलिस वाले आए, यार इसको अभी तोड़ो। और जितने भी हमारे साथ काम कर रहे थे ना टीम वाले, सबको भगा दिया। मैं कसर मॉर्निंग में आपको मिलेगा, 10 बजे आप आओगे तो रिक्वेस्ट करके मैंने रुकवाया। पुलिस के अंदर नहीं जाना किसी को, कह रहे इसको अभी तोड़ दो और इसके अंदर नहीं सोना बिल्कुल भी। कह रहे ये ना जनवरी में बनता है, पर अभी ना भाई फरवरी चली हुई है, बर्फ पिघलने लगे धीरे धीरे, टूट सकता है और हमारे ऊपर गिर सकता है। हमारे लिए आए थे, बहुत हंगामा हुआ था यहाँ पे, गुस्सा आ रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया। कश्मीर में आने के बाद सबकी सिम बंद है, तो इसे चाचा कॉल भी नहीं कर पाए। सीन हो जाता, ये सारी मेहनत खत्म थी, बच गया हमारा इग्लू। बोला मैं आऊंगा ना तो मुझे टूटा हुआ मिलना चाहिए, बोल गए हैं। पोपट हो गया, ये कह के गए कि सुबह 10 बजे तक तोड़ देना इसको। कोई बात नहीं, इतना तो चलो बना हमारा। ये देखो गाइस छतरी बना पाए, एक डॉगी भी आ गया। ये हमारा सोफा है, यहाँ बैठ के खाना खाएंगे। गाइस लाल चाचा ने खाना तो बना दिया है, तो अभी अपने मस्त इग्लू में बैठ के खाना खाएंगे। गाइस पुलिस वालों ने साफ बोला इसके अंदर कोई भी नहीं सोएगा, कुछ भी हो सकता है, ये जो ईंट वगैरह है ना गिर सकती है। मैं सो जाता हूँ, तुम अंदर चले जाओ रूम में, मैं सो जाता हूँ यहाँ पे। बिल्कुल नहीं, अगर गिर गया तो? अरे मैं बीच में सो जाऊंगा, नहीं गिरेगा मेरे ऊपर। बीच में तो बिल्कुल गिरेगा, ऐसे आएगा ना बिल्कुल आपके ऊपर, अंदर सोना। चैलेंज का कह रहा है, चैलेंज करेंगे ना? चैलेंज है ना, ये लास्ट वीडियो बनेगी चैलेंज की। डाइनिंग टेबल बनाते हैं और यहाँ पे डिनर करते हैं ना, तो हमारे पास गद्दे हैं, यहाँ बिछाते हैं नीचे, इंडिया की तरह जैसे बैठ के खाते हैं वैसे खाएंगे। इंडिया की तरह मतलब अभी इंडिया से बाहर है। अलग ही एक्सपीरियंस है, खुद से हमने इग्लू बनाया, खुद से खाना बना रहे हैं। गाइस चाचा तो सुबह से काम पे लगे हुए हैं। तुम बहुत मस्त काम करते हो। ये बर्फ डाल दी हमने इसमें, इसको पिघला के कॉफी बनाएंगे। बर्तन वर्तन जो गंदे हो रहे हैं ना, बर्फ से ही धो रहे हैं। कल करेंगे 24 hours इन स्नो चैलेंज, तो कल वहाँ जाएंगे ऊपर तक। मस्त प्लान है गाइस, मेरे को भाई अभी से ही एक्साइटमेंट हो रही है देख के। आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। भाई पूरा बर्फ में चला गया। ओ भाई, अरे अच्छा गिर जाओगे। भानिया ये जलपरी है? नहीं जलपरी नहीं, ये तो जलपरा है।
आजा। ओ भाई भाई बहुत गहरी बर्फ में चला गया। अभी शाम के 6:30 हो गए हैं और ये देख लो गाइस बर्फ है ना पूरी टाइट हो गई है। देखो पहले हल्की बर्फ थी अब पूरा टाइट हो गया हमारा इग्लू। अभी गिरेगा नहीं जल्दी से गाइस। अभी ना अंधेरा हो गया है तो इग्लू के अंदर बल्ब लगा रहे हैं। अंधेरा हो गया ना काफी कुत्तों की लड़ाई होगी भाई यहाँ पे। ओ भाई कुत्तों की लड़ाई होगी। 9:30 बज गए हैं गाइस। लिटरली भाई दोबारा पुलिस वाले आए थे पर गाइस ये तसल्ली है दिल को कि हमने इग्लू तो बनाया। गाइस मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है इग्लू बनाने की। मेरे को सारी फॉरेनर्स की दिख रही है यूट्यूब पे। इंडियन यूट्यूबर्स की मैंने अभी तक वीडियो नहीं देखी इग्लू बनाने की। ये देख लो गाइस सारी वीडियोस फॉरेनर्स की है। अभी तक किसी यूट्यूबर ने बना के नहीं दिखाया इग्लू। और बाकी गाइस चाचा ने खाना बनाया आलू गोभी की सब्जी है और मक्खन वाली रोटी। रोटी नहीं आई सुबह से पेट में जमा रखी है। तेरा क्या बोला तूने? रोटी नहीं आई सुबह से पेट में जमा रखी है। ये क्या बात करता है यार? क्या बात कर रहा है? तीन बार तो जरूर आती है, अब तो मेरी एक बार भी नहीं। ये क्या बकवास कर रहा है? क्या बातें कर रहा है यार? गाइस हमारी गैंग वाले हैं और ये भी इसी होटल में रुके हैं मिलने हैं हमसे। बांग्लादेश से। चड्डी कौन से कलर की पहनते हो? सुपरमैन चड्डी। सुपरमैन चड्डी। वाओ मैं बहुत जगह नोटिस करता हूँ बहुत सारी गैंग वाले भाई आते ही नहीं है मिलने। ये सोचते हैं कि भाई पता नहीं निक्कू भाई क्या कहेंगे इनसे मिल लूं और ट्राई भी नहीं करते। तो गाइस मैं तुम्हें बता देता हूँ मेरे को मिलना ना बहुत अच्छा लगता है अपनी गैंग से। जहां भी मैं दिखूं तो मिल लिया करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफी अपनी गैंग वाले भाई ऐसे हैं ट्राई नहीं करते शर्माते हैं। अच्छा लगता है। मैं तुम्हारे जैसे ही हूं बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि भाई जो लोग अपने आपको बड़ा दिखाते हैं ना वो सब सीन नहीं है। तुम भाई हो अपने सारे अपनी गैंग है। अब ये भाई आए मेरे को अच्छा लगा मिलने हमसे। इग्लू में आने के बाद ठंड नहीं लग रही बिल्कुल भी। इग्लू से बाहर जाते ठंड लग रही है भाई अब पता ही नहीं चल रहा। ओ भाई ये देख लो गाइस इग्लू के अंदर लेट चुके सारे। ओ भाई और ठंड लग जाएगी भाई तो खड़ी खड़ी ठंड लग रही है। भाई साहब ये देख लो गाइस इग्लू कितना मस्त लग रहा है अंदर से पूरा पूरा घर लग रहा है। गाइस बहुत सैड फील हो रहा है। हमारा मन था इसके अंदर सोने का अलाउ नहीं कर रहे अंदर सोने के लिए। हमारे पास स्लीपिंग बैग्स वगैरह सब है। ये आसमान नहीं आते तो हम यहाँ यहाँ सोते हैं। हमारा इग्लू हमारा बर्फ का घर गाइस बहुत मेहनत से बनाया है और मजा आ रहा है हमारे मेहनत वाले इग्लू के घर में। मन कर रहा है गाइस यहीं पे सोए। गाइस इससे प्यार होगा बिल्कुल मन नहीं इसको तोड़ने का पर तोड़ना ही पड़ेगा गाइस इसको। गाइस सुबह जब इग्लू को बनाया था ना हमने पूरा सॉफ्ट था और ये देखो भाई पूरा पत्थर बन गया है। ओ भाई लग रही है ना बिल्कुल पत्थर बन चुका है ये। तो गाइस अभी रात के 12 बज रहे हैं अपने इग्लू को तोड़ना पड़ेगा। गाइस मन तो नहीं कर रहा पर तोड़ना पड़ेगा। 1 2 3 स्टार्ट। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या भाई? ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। ओ सुबह इतना नाजुक था देख तो टाइट हो रहा है यार। गाइस इग्लू ऐसा ही होता है पहले बनाते तो सॉफ्ट हो जाता है बाद में जम जाता है पूरा। भाई अंबुजा सीमेंट है ये। अंबुजा सीमेंट से बना है। सारे लात मारो मारो। ओ भाई ये टूट ही नहीं रहा यार। यार ये क्या है? ये गिर सकता है ध्यान से। प्लेयर गन ट्राई करके देखते हैं। वैसे ना गाइस हमारे पास बर्फ काटने वाली आरी भी थी वो गाइस हमने बिल्कुल भी यूज नहीं करी। हर जगह बर्फ ही बर्फ है। अगर हमने इसको चला दिया ना आवाज गूंज जाएगी हर जगह। बर्फ भी खिसक सकती है पहाड़ की। बर्फ को तोड़ नहीं पा रहे तो पिघला तो सकते ही है। ओ बुझ गया। प्योर गैस निकल रही है। फर्क ही नहीं पड़ रहा ये देखो। ओ भाई साहब ये गड़बड़ है बाबा। भाई पूरा पैर ही घुस गया पूरा छेद हो गया भाई। ओ भाई हो गया काम। इतना बनाने में मजा नहीं आया जितना तोड़ने में मजा आ रहा है। ओ भाई सही है सही है सही है। ओ भाई भाई साहब ओ भाई गया 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 ये वाओ आधा तो तोड़ दिया बाकी सुबह तोड़ देंगे। 12:30 बज गया है होटल का गेट बंद होने वाला है। तो गाइस फिलहाल मैं आ गया हूं रूम में। और गाइस आज हमने बर्फ का घर बनाया। इग्लू ना भाई लोग वहाँ बनाते हैं जहाँ पे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है जहाँ पे कहीं भी घर नहीं होते। ठंड से बचने के लिए इग्लू बनाते हैं। जितनी ठंड बाहर होती है ना उससे बहुत ज्यादा कम ठंड इग्लू के अंदर होती है। अगर तुम बाहर कहीं भी फंस जाओ ना बर्फ में तो इग्लू बना के उसमें रह सकते हो। इग्लू में ठंड से बचाता है। आज हमने भाई फाइनली इग्लू भी बना दिया। और भाई छोटा नहीं बनाया बहुत बड़े वाला बनाया पूरी मस्ती करी। बाकी गाइस शाम को एक सीन हो गया था। हम ना मार्केट गए हुए थे उस बीच ना गाइस बहुत सारे पुलिस वाले आए थे। चाचा को बोले कि भाई अभी तोड़ दो अभी हम तोड़ रहे इसको। चाचा ने भाई बहुत सारी रिक्वेस्ट करी और बचा लिया कह रहे फोटो वोटो खींच के तोड़ देंगे। तो गाइस इसलिए ये अभी हमें तोड़ना पड़ा। बाकी गाइस अभी फिलहाल मैं करूंगा एडिटिंग। रात के 12:30 बज रहे हैं तो अभी जल्दी से एडिटिंग करते हैं और फिलहाल वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। यही था आज की वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो हमारे भाई का चैनल है निक्कू का। सो थैंक यू सो मच बाय एंड टेक केयर।